हेलो गाइस, नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, बिल्कुल एकदम बादल ऐसे हो रहे हैं साफ। और तो गाइस सुबह का टाइम है, सो मैंने वही अपने डेली का रूटीन, बच्चों के लिए लंच की तैयारी कर दी है। मैं छील रही हूँ यहाँ पे आलू। आज फरमाइश हुई थी इनके डैडी की कि आज स्पेशल आलू प्याज की सब्जी बनाई हो। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने नवरात्रों में ही प्याज लेके आ गए थे कि आज आलू प्याज की सब्जी बना, तो मैंने तभी उनके लिए मैंने चलो आज पहले बच्चों के लिए पराठे बना दूँ, फिर उसके बाद मैं अगले दिन बनाती हूँ आलू प्याज की सब्जी आपके लिए। फिर उसके साथ मैंने सब्जी छौंक लगा करके फिर फटाफट मैंने आटा लगा लिया। आटा लगा करके फिर मैंने इधर ना तेल बचा हुआ था नवरात्रों का, तो मैंने उसके लिए चला दी थी गैस की, तेल गर्म हो जाएगा तब तक। इतना मैंने धनिया काटा था, इतना तेल गर्म ऑलमोस्ट हो चुका था। तो तेल गर्म होने के बाद फिर मैंने फटाफट से उतार दिए पूरियाँ यहाँ पे, और एक के बाद फटाफट मैंने उतार दिए सारी पूरियाँ। बच्चों से पूछ रही थी मैंने, बच्चों आपके लिए पूरियाँ यहाँ पे खाने के लिए भी बनाऊँ? तो बच्चों ने एक बोला है कि मम्मी मेरे को खानी है घर पे ही, तो मैंने उसके लिए भी मैंने बोल दिया कि ठीक है चल आ जा खा ले फटाफट तू भी, फिर तेरी बहन आ जाएगी। फिर मैंने लंच पैक कर दिया, सब्जी तब तक बन चुकी थी। मैंने इसकी गैस निकाल दी कुकर में, जो प्रेशर कुकर में जो हवा थी ना थोड़ी बहुत, सब निकाल के फिर उसमें मैंने धनिया वगैरह डाल के सब्जी ठंडी कर दी। इधर मैंने कि बेटा आ जा तू खा ले फटाफट, और तब तक मैं लंच इधर साफ़ कर रही थी। मेरा बेटा आ गया खाने के लिए, वो ले गया खाने के लिए भी, उसे खानी थी यहीं पर ही। फिर मैंने लंच पैक कर दिया फटाफट से। लंच पैक करने के बाद बस लंच पैक करके दूध गर्म किया मैंने। दूध पैक करने के बाद मैंने जैसे बस बैग में रखे ही थे कि तो इतने ही वैन आ चुकी है। फिर मेरे देखो बच्चों की शैतानी, इधर वैन आके खड़ी हो जाती है बाहर, और इनको 2 मिनट तो ज़रूर खड़ी करनी है वैन पहले, इसलिए ना वो पहले ही फ़ोन कर देता है आने से पहले। इनको क्या है ना कि शैतानी करनी ही करनी है, बड़े हो रहे हैं। मैं कि पहले तो छोटे थे, अब तो बड़े हो गए, पर फिर भी इनको ना बस टाइम से चलना ही नहीं है। तो बच्चे चले गए स्कूल, अब मैं आ गई अपने किचन में। मैं इसे समेट लेते हैं, तो मैंने फिर जो आटा लगा के रखा हुआ था ना वो रख दिया फ्रिज में। फिर कुकर में से सब्जी निकाल के फ्रिज में रखने के बाद फिर चलो बर्तन मांज लेते हैं, फिर घने हो जाते हैं। और फिर एक बार जब साफ़ हो जाते हैं तो फिर साफ़ पड़ा रहता सारा घर। मैं फटाफट चलो बर्तन साफ़ कर लेते हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर पूछ के आती हूँ मैं इनसे कि चाय पियेंगे या नहीं अभी। मैं चलो गैस और साफ़ कर दूँ, उसके बाद गैस साफ़ कर करके अच्छे से सारी स्लैब साफ़ करके फिर मैंने जो एलोवेरा जूस, एलोवेरा नहीं आंवला, मेरे से एलोवेरा ही निकलता जब भी मैं बोलती हूँ, एलोवेरा जूस पिया मैंने। और मैंने अभी 3-4 दिन से कंटिन्यू किया है ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, हम भी मतलब कि दोनों। और बच्चे चले गए मेरे सुबह स्कूल, अब टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया, 8:30 हो गए हैं। और आज मेरा ना झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगा, पोछे लगाऊँ फटाफट, उसके बाद बनाएंगे चाय। तो गाइज मैं हो गई नहा धोकर तैयार, और देख लीजिए कैसे झांक रहे हैं, है ना? मैंने ले लिया आप कैमरे में, क्यों ना पतले हो गए नंगे पुंगे, फिर निकालोगे मेरी मित्र डालिया तो पूजा कर लूँ मैं। पूजा करने के बाद ये जाएंगे ऑफिस, इनके लिए बनाना खाना, फिर ये इतने नहाएंगे धोएंगे ना, इतना मैं कर लूँ पूजा, क्योंकि फिर ये आफत मचा देंगे ना पूजा करने दे चैन पे। हाँ देख लो इनके बस और लगी है। तो गाइस हम भी बस मिलते हैं आपसे 5 मिनट में।
काम पोछा उछा भी हो गया है, सारा काम हो चुका है ख़त्म, और बस इनका खाना वगैरह है ना, और अभी तक नहाया नहीं है। और जो मैंने करती ना पते पे घर सारा सुबह सेट किया है, क्या फैला दिया सारा, कोई तकिया किधर, किसी तकिया पैरेंट में लगाएंगे, किसी तकिया कोई और होगा काम गड़बड़ में कौन चल रहा, और मैं इधर बना रही हूँ तो गाइज इनका आ रहा था फोन, मैं तो अपना कैमरा सेट करके आ गई खाना बनाने के लिए, और खाने में मैंने बनाई इधर पूरियां इनके लिए। मैंने इनसे पूछी थी कि आप रोटी खाओगे या पूरियां, तो इन्होंने पूरियां ही बोल दिया कि मेरे लिए भी पूरियां बना दे, जब बच्चों के लिए बनाई थी तो मैंने इनके लिए पूरियां बनाई फटाफट से, और फिर अपने लिए भी बना ली साथ के साथ। तो गाइज तवर साहब चल रही है ऑफिस के लिए, और अब आ रही है बाहर से भी गर्म हवा, अब मना मत नहीं करना, मैं तो जा रहा हूँ। दोपहर के टाइम में यहाँ से गर्म हवा आने लगे अंदर, और अब मैं लगा दूँ अपने पर्दे वगैरह। तो गाइज ये तो चल रही है ऑफिस के लिए, और मैंने खा लिया अपने लिए खाना, खाना खा लो आप भी। खाने में सब्जी है, आलू टमाटर और प्याज की इन्होंने स्पेशल बोला है, नवरात्रों में ही ले आए प्याज, इतनी सारी प्याज ले आए 3-4 किलो। अरे आपको पतली सी सब्जी बना आलू प्याज की, तो आज इनकी सब्जी बनाई थी, इनकी सब्जी नहीं इनकी फेवरेट सब्जी बनाई और पूरियाँ बनाई है दही भाई, फोन वगैरह ले लिया सब, एक मिनट फोन वगैरह ले लिए भाई, आज ही मैं गुस्सा दस जाते और क्या अजासी है कौन धूप। तो गाइज मेरे बच्चे आ गए हैं, इधर मैंने पहले वीडियो बनाई लेकिन ब्लर आ रही है बिल्कुल बाहर जाने, और मैं अभी वीडियो अपलोड करके निमटी ही थी, और तब तक ये आ चुके हैं चुन्नू मुन्नू। और गाइज व्लॉग आ गया है, जाकर देखो सोनी खुशी चैनल पर, और मैं कुछ डिफरेंट बनाने कोशिश कर रही हूँ, आई होप आप पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे तो लाइक तो कर दिया करो प्लीज़, लाइक कर करो शेयर कर करो, कमेंट करके बताया करो अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे। तो गाइज मिलते हैं कुछ देर में, इनके लिए बना दे खाना, नहीं तो बीमार छोटो गएगा, खाना तो बनाओ ना, और खाते अपनी मर्जी से नहीं है, आज तो खाना बिनो खवाओ गोल्डी ऐसे ही आएगा ना, और कपड़ा ना साथ के साथ पहन ली, देखा भैया पहन लिए, सारे दिन ऐसे ही डोलता रहेगा जान की तरह, फिर कहेगा। तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है, शाम के बज चुके हैं 6:30, और इनकी मस्ती चल रही है अभी यहाँ पे, मेरा हो चुका है पूजा का टाइम, मेरी फ्रेंड आ गई थी उससे बातें कर रही थी बैठे बैठे, और बैठे बैठे गया मेरा 3-4 तो व्लॉग को एडिट करते करते लग जाते हैं, मैं सोचती हूँ कि अपने रात के टाइम व्लॉग एडिट कर ले करूँ, सुबह वह जल्दी डाल दे करूँ, पर क्या करूँ अगर सुबह एडिट करने बैठती हूँ तो फिर सुबह काम के लिए लेट हो जाता, सुबह काम करूँ तो फिर वही व्लॉग, मतलब यही जो हिसाब चल रहा है ना दोपहर को यही चलने देते हैं, दोपहर को 1, 2, 3, 4 जब भी व्लॉग एडिट हो जा काम निपटा के जब ये, क्योंकि भाई काम ज़रूरी है, पहले अपना घर का काम कर लो फिर आराम से रिलैक्स हो क्या, फिर टेंशन ना रहती कि ये काम पड़ा और ये काम पड़ा और ये देखो।
पूजा करने के बाद मैं हो गई हूँ खड़ी और भगवान जी को माथा टेक के बोल दिया कि भगवान जी को कोई गलती हो तो माफ़ करना, हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो माफ़ करना। और फिर मैं इधर आ गई हूँ, मैंने इधर करेले काट लिए, करेले की सब्ज़ी बनेगी आज। तो करेले लेके आए थे नवरात्रों में, क्योंकि नवरात्रों में प्याज नहीं डलती ना, उस चक्कर में रखे हुए थे और उनमें से ना कुछ करेले ख़राब हो गए थे, पीले पीले हो गए थे। तो वैसे ख़राब तो नहीं हुए थे, पर वो अंदर से ना पीले पीले उनके वो निकल रहे थे बीज जो, तो वैसे ठीक थे। फिर मैंने फटाफट से काट लिए, काटने के बाद ना फिर मैंने इनको एक कटोरे में डाल के इनमें नमक लगा के रख दिया। नमक लगा के रखने से ना इनका कड़वापन ख़त्म हो जाता। और बहुत से धूप में भी रखते हैं, लेकिन मैं धूप में नहीं रखी, मैंने काटने के से पहले एक घंटे बाद, पहले एक घंटे या आधे घंटे के लिए रख दिए। उसके बाद मैंने ना प्याज काट ली थी इधर, फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने ना मेथी से छोप लगा दिया। वैसे मैं इसमें सौंफ से लगाती हूँ, क्योंकि सौंफ हमारे हैं नहीं, तो फिर मैंने मेथी से लगा दिया। उसके बाद मैंने ना इनको अच्छी तरह दो तीन बार धो लिया, फिर एक बार और उनमें पानी डाल के इनको अच्छे से निचोड़ करके मैंने साइड में निकाल लिया। साइड में निकालने के बाद देखो सारा पानी निकाल के फिर मैंने ये डाल दिए, इसमें छोप लगा दिया, तेल में डाल दिए। अब इनको चलाते रहो थोड़ी देर, जब तक ये ब्राउन ब्राउन से ऐसे नहीं हो जाएंगे ना, तब तक इनको चलाते रहिए अच्छे से। फिर इनमें मैंने नमक डाल दिया, कि जब ये हल्के हल्के ब्राउन होने लगे थे कि नमक डालने के बाद फिर इनकी गल जाएंगे। फिर मैंने ना इसमें प्याज डाल दी थी, प्याज, और फिर मेरी सब्ज़ी रखी हुई थी ना जो फ्रिज में, वो भी निकाल के रख दी थी, क्योंकि बच्चों को खानी थी रोटी। मेरा गोल्डी है ना जो, वो नहीं खाता करेले की सब्ज़ी, क्योंकि उसको कड़वी लगती है। प्याज डालने के बाद फिर मैंने इसमें मसाले डाल दिए, और मसाले मेरा हरी मिर्च, काली हरी मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी, जो भी मसाले डलते हैं वो डालकर सब्ज़ी हो गई थी थोड़ी देर में मेरी तैयार। तो गाइस इधर बन चुकी है मेरी सब्ज़ी, और इधर तब तक सब्ज़ी बनी, इतने मैंने बना लिया रोटी अपनी यहाँ पे। इन्हें मैं लगा लूँ घी, घी लगा के फिर खाते हैं। बच्चों आ जाओ खाना खा लो। तो गाइस चलो मैं लगा लेती हूँ घी, इनमें घी निकाला मैंने आज ताज़ा बिल्कुल। तो गाइस बच्चे खा नहीं रहे हैं, मैंने गाल के रख दिया इधर सब्जी, ये आलू की है और ये करेले की है, और इधर रोटियां हैं, क्योंकि गोल्डी करेले की नहीं खाएगा ना, तो इसलिए सब्जी सुबह की बची हुई है। और एक तो आ चुका है और एक इधर खड़ा हो जा, खाना खा ले, नहीं तो फिर चाटे भी आ जाएंगे, है ना भाई। तो गाइस हम भी खा ले खाना, और मैंने ना अपने लिए देसी स्टाइल में इधर रोटी के ऊपर रख लिए सब्जी, और हम खाएंगे अब अपनी हॉट सीट पर बैठकर। तो गाइस मिलते हैं कुछ देर में। तो गाइस खाना वाना खा लिया और अंदर आ गए हैं हम ना ये आ गए लेटने को, मैं तो इन पता फोन छीनने को आई, और लौटने की तैयारी हो गई इसकी देखो कैसे मुँह छुपाया हो इसने कंबड़ में, चिटका देता कितने मुँह कर रहा हो रही। तो गाइस कल इनको गेम होएगा, बस लंच वगैरह लेके जाओगे, लंच वगैरह लेके जाओगे, तो ले जाओ बैग लेके जाना है, बुक वगैरह सब। अच्छा ये ऐसे ही लंच वगैरह ऐसे पानी बोतल वगैरह ले जाएंगे। तो गाइस फेस दिखिए इधर को, इधर को फेस दिखिए, जैसे चाटे लगेंगे तो 500 रुपये दे देंगे। वो मत ले लीजिए तू, ले लीजिए। तो गाइज मैंने लगा दिया यहाँ पे कैमरा फिर से, और ये अभी आए नहीं है, मैं इनका कर रही हूँ वेट कि तब तक ये आते हैं, मैं क्या करूँ बैठी बैठी। ये तो कुछ कपड़े बचे हुए थे मेरे, मैंने अलमारी से निकाल के, चलो इन पे प्रेस कर लेती हूँ, और प्रेस करके
मैं अब करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। ये तो पता नहीं किस टाइम तक आएंगे, तो मैं अब कर दूँ व्लॉग का एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और गाइज प्लीज़ लाइक कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।